वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, विविध प्रकार के बादलों के निदेशक के रूप में इंद्र ने सामवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सामवर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं, तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों न हो जाए। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने सामवर्तक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल क्षुद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान हैं, किंतु वह अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा के कहने को गंभीरता से लेते हैं। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौवों समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने सामवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से अप्लावित कर दे। यहाँ यह इंगित हुआ है कि गांवों में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं, तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने सामवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने
उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊँगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहाँ निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेधने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गौवें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावन वासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मदांध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा, जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक कुकुर मुत्ता उखाड़ लेता है, इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचे कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है।
इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी संपत्ति अथवा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहाँ पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना एक सप्ताह तक वहाँ रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निरभ्र हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड वायु का बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों गौवों तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गौवों तथा अन्य सामग्री सहित वहाँ से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने शनै शनै गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियाँ जो स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करती थीं, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगीं और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद तथा सर्व बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्ध लोक, गंधर्व लोक तथा चारण लोक के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे और दैवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।